प्रिय छात्रों, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अणुकक्षक आरेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अणुकक्षक आरेख किसी भी अणु को समझने से पहले मेरी पिछली कक्षा का जो वीडियो था उसको आप देखिए तो क्लियर होगा। जैसे कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जैसे अगर कोई भी एस कक्षक है वो दूसरे एस कक्षक के साथ शीर्ष अतिव्यापन अगर करता है, क्या करता है, शीर्ष अतिव्यापन, ओवरलैपिंग अतिव्यापन को इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग, अगर शीर्ष अतिव्यापन करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, शीर्ष अतिव्यापन तो क्या होगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा। एस कक्षक जब किसी दूसरे पी कक्षक के साथ शीर्ष अतिव्यापन करता है और हमेशा शीर्ष अतिव्यापन ही करेगा, शीर्ष अतिव्यापन से आपको बनेगा क्या, हमेशा सिग्मा बंध ही बनेगा। यदि एस कक्षक जब पी कक्षक के साथ जुड़ता है तो हमेशा शीर्ष अतिव्यापन होता है और सिग्मा बंध का ही निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिए कि जो पी कक्षक है जब वो दूसरे पी कक्षक के साथ जुड़ेगा तो वो दो प्रकार से वो जुड़ सकता है। जैसे जब पी कक्षक किसी दूसरे पी कक्षक के साथ शीर्ष अतिव्यापन करता है, क्या करता है, शीर्ष अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है, तब वो हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, शीर्ष अतिव्यापन करेगा तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। लेकिन अगर यही पी कक्षक किसी दूसरे पी कक्षक के साथ अगर पार्श्व अतिव्यापन करता है, जैसा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में होता है, द्विबंध और त्रिबंध वाले केस में होता है, तो उसमें आपका पार्श्व अतिव्यापन होता है और ये पाई बंध का निर्माण करता है। तो केवल इसमें पाई बंध का एक केस है, कौन सा वाला, पीपी पार्श्व अतिव्यापन में ही क्या बनता है, पाई बंध, बाकी एस ऑर्बिटल के साथ शीर्ष अतिव्यापन करता है और हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण करता है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, अतिव्यापन करता है, शीर्ष अतिव्यापन और सिग्मा बंध का निर्माण करता है, पी कक्षक जो है दूसरे पी कक्षक के साथ अगर शीर्ष अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंध, और अगर पी कक्षक दूसरे पी कक्षक से पार्श्व अतिव्यापन करता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की, जो प्रश्न आता है आपके पेपर में भी आता है कि O2 अणु का अणुकक्षक आरेख कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो हमारा एग्जाम्पल है O2 अणु का अणुकक्षक आरेख कैसे बनाएंगे अभी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, O2 अणु में जैसा हम जानते हैं दो ऑक्सीजन परमाणु हमेशा होते हैं, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे करेंगे जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो उसमें भी 1s2 2s2 2p4 होगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब अणुकक्षक आरेख बनाएंगे तो बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट सेल यानी 2s और 2p ही पार्टिसिपेट करेंगे, 1s जो है इनर सेल है, आंतरिक कक्षा है, ये भाग नहीं लेगी बंध बनाने में, यानी 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल 2s और 2p पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए इसका हम आरेख बनाने जा रहे हैं, तो दो एकदम लाइन खींचिए जैसा कि खींचा हुआ है हमने, ये ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, इसका ये मतलब है कि जो नीचे कक्षक आएंगे उनकी ऊर्जा कम होगी और जो ऊपर कक्षक आएंगे उनकी ऊर्जाएं ज्यादा होंगी। स्टार्ट करते हैं 2s से, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2s, तो 2s ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल, इधर भी आपका हो गया 2s ऑर्बिटल, इधर आप ऑक्सीजन
परमाणु कक्षक रखेंगे या परमाणविक कक्षक भी कह सकते हैं आप। इधर भी ऑक्सीजन परमाणु कक्षक लिखेंगे और बीच में जो ऑर्बिटल बनेंगे वो होंगे O2 अणु कक्षक। क्या होंगे? O2 अणु। यानी जब दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब एक O2 अणु कक्षक का निर्माण होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2s है तो 2s और 2s दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और एक O2 अणु कक्षक का निर्माण करेंगे। तो जैसा हमने वहां पर बताया है आपको कि s ऑर्बिटल के साथ जब अतिव्यापन करता है तो हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहां पे हो जाएगा आपका सिग्मा 2s। देखिए s कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहा है तो सिग्मा बंध, इसलिए हमने क्या लिख दिया? सिग्मा। और ऑर्बिटल कौन सा है आपका? 2s है तो सिग्मा 2s। और ये लोअर एनर्जी का होता है, कम ऊर्जा स्तर का होता है। और जो दूसरा अणु बनेगा, जो दूसरा आणविक कक्षक बनेगा वो आपका कहलाएगा सिग्मा स्टार 2s बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s। और सिग्मा स्टार 2s ज्यादा ये प्रतिबंधित कक्षक होती है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो कम ऊर्जा का होगा वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी बंधीय अणु कक्षक है ये। और ये क्या है? प्रतिबंधी अणु कक्षक। एक बार आप लिख सकते हैं, पहली बार है इसलिए आप लिख दीजिए, ये है आपका प्रतिबंधी अणु कक्षक। जो उच्च ऊर्जा का होता है वो होता है प्रतिबंधी अणु कक्षक, जो परमाणु कक्षकों से कम ऊर्जा के होते हैं वो होते हैं बंधीय अणु कक्षक। क्या होते हैं? बंधीय अणु कक्षक कहलाते हैं। और एक तरह का और कक्षक बनता है, जैसा लास्ट टाइम हमने बताया था कि जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, जो एकदम पैरेलल होती हैं, जो समान होती हैं, वो होती हैं, वो कहलाती हैं अबंधी अणु कक्षक। इनका अणु के निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए अपन इसको मेंशन नहीं करते हैं। ये तीन प्रकार के अणु कक्षक बनते हैं जब परमाणविक कक्षक आपस में जुड़ते हैं। समझ लीजिए, ऐसे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जाएं परमाणु कक्षकों से कम होती है, नीचे है ये कम हो गए, वो कहलाती है बंधीय अणु कक्षक। जिनकी समान होती है वो होते हैं आपके अबंधीय अणु कक्षक। और जिन आणविक कक्षाओं की ऊर्जाएं परमाणु कक्षकों से ज्यादा होती है वो कहलाती है प्रतिबंधीय अणु कक्षक। यानी यहाँ पे आपको अबंधीय अणु कक्षक को मेंशन नहीं करना है अभी। तो जो बंधीय अणु कक्षक होगा उसमें कोई साइन नहीं लगाते हैं, कि प्रतिबंधी में हमेशा स्टार लगा देते हैं या जो भी सिंबल आप यूज करना चाहिए। ये हो गई बात इसकी 2s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, 2s के परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 4। यानी आपका 2s है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉनों को आप आणविक कक्षकों में भरना स्टार्ट करिए, और आणविक कक्षकों यानी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में भरेंगे, और वो सारे नियम वही होंगे जो आपके परमाणु जिसे मुंड हो गए, पावली हो गए, आबाव हो गए, ये सभी नियम यहाँ भी लगेंगे। तो पहले लोअर कम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी यहाँ पे 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे आएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। अब बात करते हैं 2p की। तो 2p कक्षक में ध्यान रखिए, ये हो गया आपका 2p कक्षक, इधर भी आपका हो गया ये दूसरा 2p कक्षक। यहाँ तीन कक्षक px, py और pz, तीन कक्षक इधर भी बना दीजिए, px, py और pz, तीन कक्षक हो गए। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो गए? टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें दो प्रकार के जो अणु कक्षक बनेंगे वो कैसे अरेंज होंगे उनको वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो ध्यान रखिए, जब पी कक्षकों के अणु कक्षक बनाए जाते हैं तो उसमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिग्मा बंध भी बनता है और एक पाई बंध भी बनता है। तो सिग्मा बंध कब बनता है, पाई बंध कब बनता है? जब 2p का स्प्लिटिंग करेंगे तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, जैसे px, py और pz। तो यहां pz यहां पे लिख दीजिए, px, py ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो
जब पीजेड पीजेड आपस में जुड़ता है, जैसे हमने यहां पे ले लिया आपका ये वाला ऑर्बिटल आपका हो गया पीजेड ऑर्बिटल, तो पीजेड और पीजेड आपस में जुड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा टू पी जेड ऑर्बिटल हो जाएगा। और इसके बाद एक्स और वाई ऑर्बिटल आएंगे आपके, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स और वाई ऑर्बिटल्स, और एक्स और वाई में क्या बनता है, पाई बंध का निर्माण होता है, इसलिए यहां पे दो कक्षक समान ऊर्जा में होंगे, इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी एक्स और इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। और इसी के ऊपर जस्ट हो जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई ऑर्बिटल, और आखिरी में आएगा आपका सिग्मा टू पी जेड, ये सबसे टॉप एनर्जी लेवल का होगा, नाम इसका होगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये प्रतिबंधी कक्षक है। तो ये कक्षकों का निर्माण है, पी जेड का जो बंधी कक्षक होता है वो सबसे नीचे आएगा, और प्रतिबंधी जो स्टार सिग्मा स्टार टू पी जेड है वो सबसे ऊपर जाएगा, बाकी जो पी एक्स और पी वाई का जो पाई स्टार पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई है वो नीचे रहेगा, और इसका प्रतिबंधी ऊपर जाएगा, तो पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई। टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, 8 हुई आपकी। अब इलेक्ट्रॉन घटना शुरू करते हैं, सारे नियम वैसे ही रहेंगे जैसे कि आपके हुंड हो गए, पाउल हो गए, अभाव हो गए, जैसे परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे ही अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा ध्यान रखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या है समान ऊर्जा के हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरे, तो ये चौथा और ये हो गया पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा पाई स्टार टू पी एक्स में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा पाई स्टार टू पी वाई में आएगा, तो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया आपका ओ2 अणु का अणु कक्षक आरेख। अब आपको क्या करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपकी वो आपको डिस्कस करना है, तो दो तीन बातों को डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे देखिए पहली बात तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ओ2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओ2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ओ2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसको देखिए, तो शुरू में आप क्या है वन्यस है, तो उसको के भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप सीधे सीधे लिखिए ये हो गया के के, फिर उसके बाद यहां पे आप पूरा लिख दीजिए, टू एस से शुरू किया है आपका क्योंकि के से कंप्लीट थी इसलिए के लिख दिया। अब सबसे पहले टू एस है तो सिग्मा टू एस टू हो गया, इसके बाद आप ध्यान रखना कि अणु कक्षकों को आपको मेंशन करते हुए चलना है, यहां पे क्या है सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार टू एस और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब आएगा आपका सिग्मा टू पी जेड टू, इसमें भी आपके दो ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए जेड टू कर दिया आपने। अब पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यदि यहां पे आ जाएगा पाई टू पी एक्स टू और पाई टू पी वाई टू, ये दोनों सेम एनर्जी के हैं इसलिए साथ में लिखे गए हैं। देन आपका आएगा पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, इनमें भी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पाई टू पी एक्स वन पाई स्टार टू पी वाई वन, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे। और जो लास्ट आपका ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार टू पी जेड, इसको आप मेंशन करिए और ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर करते हैं तो आपको ब्लैंक लिखना पड़ेगा सिग्मा स्टार टू पी जेड और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात ओ2 अणु का अणु कक्षक आरेख का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा हम निकालते हैं बंध क्रम या बंधन क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम बी ओ बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं इसको। इसको निकालने के लिए तरीका एक फार्मूला है कि जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन, तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो बंधीय इलेक्ट्रॉन जो इसमें बंधीय अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेंगे माइनस प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको आप माइनस कर देंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा शॉर्ट में अगर कहें तो इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपॉन 2 BMO माइनस ABMO अपॉन 2। BMO क्या है? बंधी इलेक्ट्रॉन, यानी जो बिना स्टार वाले हैं, जैसे आपका ये हो गया सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा 2pz हो गया और पाई 2px और पाई 2py, ये आपके बंधी इलेक्ट्रॉन है और जिसमें स्टार लगा है वो क्या है आपके प्रतिबंधीय है, यानी अब इसकी वैल्यू आप प्लेस करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंधीय इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं ये देखना है आपको। तो दो इलेक्ट्रॉन आपके 2s में दो ये हो गए, दो इसमें चार, दो पाई 2px में दो और इसमें पाई 2py में भी दो, यानी टोटल 8 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गया। माइनस ABMO देखिए, ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग, इसमें स्टार बनाया हुआ है तो इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन हो गया और एक यहाँ पे ऊपर वाला खाली है, यानी टोटल दो दो और दो और दो चार, 8 - 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 4/2, यानी कितना आ गया आपका टोटल आ गया 2 आ गया। इसका ये मतलब है बंधन क्रम या बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, ये बताता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यानी इनके बीच बंध कौन सा बनेगा, द्विबंध बनेगा, यानी ओ डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है। तीसरी जानकारी हमको चुंबकीय व्यवहार निकालना होता है, O2 अण का चुंबकीय प्रकृति क्या है, उसका व्यवहार क्या है ये देखना है। चुंबकीय प्रकृति के लिए आप ध्यान रखिए, अगर कहीं भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिए अगर कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा अनुचुंबकीय गुण होगा इसमें अनुचुंबकीय, और अगर कहीं पे क्या है पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। यानी अनुचुंबकीय को आप क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं इंग्लिश में और इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, तो एक अकेला होगा अनुचुंबकीय, वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, प्रतिचुंबकीय क्या करेगा आपको रिपल्शन करेगा, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन के परमाणु कक्षक में देखते हैं, देखिए ये 2s भी पेयर्ड है, ये 2s भी पेयर्ड है, सिग्मा स्टार 2s है वो भी पेयर्ड है, सभी यहां पेयर्ड है, लेकिन आप अगर पाई स्टार 2px पाई 2 स्टार 2py को देखते हैं तो इसमें एक दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पे आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी जो ऑक्सीजन अणु की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उसकी प्रकृति होगी एक अकेला इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय प्रकृति होगी इसकी, ठीक है। ये हो गया आपका अणुकक्षक आरेख ऑक्सीजन परमाणु में, ठीक है, बाकियों का हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे।